अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी हेल्थ होस्ट फजल नूर। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर फियाज और मेटाबॉलिक एंड बिलियरी सर्जन डॉक्टर मोहसिन गिलानी। इनसे हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है, ना ही सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। डायबिटीज एक बहुत ही अहम बीमारी है जिसके बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमारे साथ जो मौजूद हैं प्रोफेसर, वो इस पे डिस्कस करेंगे और हमें बताएंगे इसके ट्रीटमेंट्स और इसके कॉम्प्लिकेशंस। पहले हम बात करते हैं सर मोहसिन गिलानी से। सर, आप प्लीज अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कीजिए, थोड़ा सा नहीं बल्कि तफसीली इंट्रोडक्शन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस फोरम पे बुलाया और इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हम करेंगे। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में, और इवनिंग प्रैक्टिस में दो जगह पे करता हूँ, उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन और इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, मेरी मेरी फेलोशिप है फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स, और फेलोशिप मेरी है फ्रॉम बेल्जियम एजेंट सर्जन हॉस्पिटल, जो कि इस वक्त दुनिया का लीडिंग हॉस्पिटल है इन दो डिजीज़ के बारे में। अच्छा, जहाँ तक डायबिटीज़ और ओबेसिटी की बात है, तो डायबिटीज़ और ओबेसिटी इस वक्त रियल पेंडेमिक इसको कहा जाता है। जैसे कोविड-19 आया, वो पेंडेमिक शुरू हुआ, अब वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है, लेकिन डायबिटीज़ और ओबेसिटी ये दो ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि इंडीड दे आर द रियल पेंडेमिक इनको कहा जा सकता है। कोई भी शायद ही कोई फैमिली हो जिसमें ये इन दोनों बीमारियों में से कोई बीमारी ना हो। तो इसलिए ये नहीं कि किसी खास तबके में, अब तो चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, हर फैमिली का, हर शोबे का बंदा इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे अवेयरनेस खास तौर पे डायबिटीज़ और ओबेसिटी के बारे में दी जाए। और इस वक्त आज के प्रोग्राम में जो मेन डिस्कशन है वो हमारी डायबिटीज़ पे रहेगी, और डायबिटीज़ क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो रिलेटिवली निगलेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ जो न्यू इंटरवेंशंस या न्यू ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ आई हैं स्पेशली फॉर डायबिटीज़। दैट इज़ द रेवोल्यूशन, बेसिकली जो मैं कहूँगा एक इनकलाब है एज़ फार एज़ द टाइप 2 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के हवाले से। तो इसमें कुछ प्रोग्राम मैंने पहले भी किए, कुछ इंफॉर्मेशन भी दी और कुछ क्यूरीज भी लोगों की जनरेट होती हैं जिसको भी हम एड्रेस करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। तो डायबिटीज़ के हवाले से जो क्यूरीज हैं, एक तो डायबिटीज़ का मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ है क्या बेसिकली। तो डायबिटीज़ जो होती है वो शुगर, जो हमारी हमारे जिस्म हमारी बॉडी वो शुगर इस्तेमाल करती है अपनी हर गिज़ा को पूरा करने के लिए, हमारे सेल्स को शुगर रिक्वायर्ड होती है। और ये शुगर अगर एक खास नॉर्मल लिमिट में रहे तो ठीक है, अगर इसकी लिमिट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो दोनों सूरतों में नुकसानदेह है। तो डायबिटीज़ को डायबिटीज़ मलाइटस कहा जाता है, क्योंकि दो और फॉर्म भी है डायबिटीज़ की, लेकिन जो खास तौर पे जिस डायबिटीज़ की आज हम बात करेंगे दैट इज़ डायबिटीज़ मलाइटस। इसमें शुगर का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, शुगर के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं, नर्व्स वीक हो जाती हैं, आई साइट्स वीक हो जाती हैं, हार्ट के प्रॉब्लम है, किडनीज के इश्यूज हैं, टांगे कट जाती हैं। क्योंकि मैं एक बेसिकली एम ए सर्जन, ठीक है, और सर्जरी का मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ नाउ मोर देन 30 ईयर्स जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो इसमें जो डायबिटीज़ से रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेशन, किसी के पाँव खुदा ना खास्ता काटने पड़ते हैं, किसी के किडनीज ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, आइज की ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इस बीमारी को समझना और इसकी अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डायबिटीज़ या ज़ियाबीतस जिसको कहा जाता है, शुगर का लेवल अगर एक ख़ास लेवल से बढ़ जाए तो उसको आम लफ्ज़ में डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, इसकी डिफरेंट अकसाम है, इसकी जो मेजर दो टाइप्स हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसके साथ साथ जो तीसरे नंबर की जो डायबिटीज़ है, जो कि आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, जैसे जैसे हम चीज़ों को डायग्नोज करना शुरू कर दिया, दैट इज़ टाइप 1.5 डायबिटीज़, और जिसको लाडा भी कहते हैं मेडिकल टर्म में, दैट इज़ लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ इन एडल्ट्स। ये वो शुगर है जो कि अगर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को हम टाइमली ट्रीट ना करें
तो उनका पैनक्रियाज या लोबलुबा वीक होके तो वो टाइप वन की तरह का पेशेंट हो जाता है जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये तो बेसिक टाइप्स हैं, टाइप वन और टाइप टू और टाइप 1.5। टाइप वन जो शुगर होती है वो यंग एज में स्टार्ट होती है, वो एक ऑटो इम्यून हमारे अपने जो सेल्स हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, वो हमारे पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, जहाँ से लोबलुबे के बीटा सेल्स से इंसुलिन ने बनना है, तो वो उनको डैमेज करती है और इंसुलिन की प्रोडक्शन या इंसुलिन का बनना काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ये यंग पेशेंट्स में स्टार्ट हो जाती है इन द अर्ली चाइल्डहुड। और इसका ट्रीटमेंट जो है दैट इज ओनली द इंसुलिन, कि इंसुलिन ही लगानी है मरीज को और उसी पे वो चलेगा। गोकि अब इसके जो डिफरेंट है कि पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट है वो अंडर ट्रायल है, अभी एक प्रैक्टिकल फेज में नहीं आया। एक दूसरी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है टाइप 1 डायबिटीज की, जिसको आर्टिफिशियल पैनक्रियाज कहते हैं, वो मसनूई पैनक्रियाज के तौर पे होता है और उसमें एक डिवाइस होती है जो स्किन के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, वो डिटेक्ट खुद करती है, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कि ब्लड शुगर का लेवल भी चेक करती है और उसके साथ साथ उसकी जो इंसुलिन की रिलीज करती रहती है ताकि बार बार पेशेंट्स को प्रिक ना करना पड़े। और वो लेकिन अभी हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि उसको जितना अर्ली यहाँ पे हम अवेलेबल कर दें वो किया जाए, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो फिर हम शेयर करेंगे अपने सुनने वालों के साथ और लोगों के साथ, ताकि उससे वो उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो इसके अलावा कुछ और क्यूरीज हैं तो वो काइंडली आप अब हम सर फयाज से पूछेंगे कि जहाँ पे हमने डायग्नोसिस की बात की है तो इसकी अर्ली डायग्नोसिस क्या हो सकती है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स के डायबिटीज से कितने असरात इंसानी जिंदगी और इंसानी जिस्म पे हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा फजल नूर और स्पेशल टीवी का जो मुझे इन्वाइट किया इसमें। दिस इज ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर फैमिलीज में ये मरीज हैं डायबिटीज के। बीइंग इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट मेरा जो रोल है डेफिनेटली उसमें डायग्नोसिस के साथ अलॉन्ग विद सम कॉम्प्लिकेशंस, मैं क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ। जैसे प्रोफेसर मोहसिन गिलानी ने जिक्र किया कि ये बीमारी एक तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये वेरी कॉमन डिजीज है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करके अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अगर आप इनकी जैसे प्रोफेसर मोहसिन गिलानी ने जिक्र किया कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, देखिए अगर कंट्रोल नहीं है या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता या जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं जैसे जिक्र हुआ बेरियाटिक सर्जरी का और कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं, वो अगर टाइमली नहीं होते तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। उसमें एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो जैसे जिक्र हो चुका हुआ है कि टांग को समटाइम्स काटना पड़ता है, दैट इज अ वेरी बिग कॉम्प्लिकेशन। उनको अवॉइड किया जा सकता है, उसका डायग्नोसिस हो सकता है प्रॉपर वे से, उसमें हम लोग डॉपलर करते हैं, डॉपलर जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन पे होता है जिसमें खून की नालियों का टेस्ट किया जाता है, उसमें हम टाइमली बता सकते हैं कि खून की नाली कोई डिजीज तो नहीं है, कोई बंद तो नहीं हो रही। सेकंड वो इंटरवेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसकी एंजियोप्लास्टी, पहले एंजियोग्राफी देन एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी सब अवेयर हैं बट उसकी सीटी एंजियोग्राफी पहले हम लोग करते हैं, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं होती, सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि कौन सी खून की नालियां बंद हैं, फिर उसको ओपन किया जा सकता है। तो इस तरह बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक न्यूरोपैथीज हैं, उसमें हमारा काफी रोल है कि इंटरवेंशनलिस्ट उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के तौर पे उसको इन्वॉल्व हो सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट आफ्टर डायग्नोसिस आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं तो उसमें रेडियोलॉजी का और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत रोल है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को डायग्नोज करने में और उसको ट्रीटमेंट करने में। जहां तक बात है टाइप वन पे तो थोड़ी सी डिस्कशन की हमने, टाइप टू डायबिटीज जो कि 90% लोगों में टाइप टू डायबिटीज ही होती है, तो टाइप टू डायबिटीज का जिस तरह अर्ली डायग्नोसिस है एक तो शिकायत, एक चीज मैं जो बताना चाहूंगा डायबिटीज के हवाले से कि जो कुछ भी जिस्म का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कोई भी बॉडी कुदरती तौर पर अगर 50% तक
सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो इस जब आपको पहला सिम्टम आए किसी भी डिजीज का, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गन जो 50% से कम काम कर रहा है अब वो सिम्टम देना शुरू हो गया। इसी तरह अगर डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, अगर किसी का किसी में डायबिटीज की शिकायत, अगली शिकायत क्या होती है, प्यास का ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, मुंह ड्राई होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन लोग कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, और ये और जिसमें थकावट सी महसूस होने शुरू हो जाती है, और बंदे जो पेशेंट होता है उसका कहता है कि बस लेटा रहूं, रात को कहेगा कोई मुझे दवा दे, तो ये अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड टाइप 2 डायबिटीज की। अगर ये किसी भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम ये शिकायत होना शुरू हुई है तो वो काइंडली ज़रूर आपने टेस्ट कराए। टेस्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 3-4 बेसिक टेस्ट हैं जिससे डायबिटीज का कन्फर्मेशन हो जाती है डायबिटीज़ है या नहीं। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, जो खाली पेट शुरू में फास्टिंग ब्लड शुगर कराते हैं वो नॉर्मल लेवल 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। अगर 90 से ऊपर है, 90 से 125 के दरमियान है तो उसको प्री डायबिटिक कहते हैं। प्री डायबिटिक सब मुराद ये है कि डायबिटीज़ का उसमें चांसेस ऑफ डायबिटीज़ उन पेशेंट्स में ज़्यादा हैं, वो और कमिंग फ्यूचर में अगर वो अपने आप को उस टाइम पे अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को, अपनी रूटीन हैबिट्स को सही नहीं करते तो वो डायबिटिक हो जाएंगे। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज़ ए नॉर्मल फास्टिंग, खाने से पहले सुबह 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर 90 से 125 तक है तो ये प्री डायबिटीज़ है, और अगर 125 से ऊपर 126 एंड अबव है फास्टिंग में तो ये पेशेंट डायबिटिक हैं। सेकेंडली एक होता है हीमोग्लोबिन A1C लेवल, HbA1c, तो ये वो टेस्ट है जो कि लास्ट 3 मंथ्स का जो रिजल्ट है वो बता देता है कि आखिरी 3 महीने में शुगर का लेवल कैसा रहा है किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है दैट इज 5.6, अगर 5.6 से 6.5 तक है तो दैट इज प्री डायबिटिक, अगर इससे ज़्यादा है 5.6 से ज़्यादा हो जाती है तो वो 6.5 से ज़्यादा हो जाती है तो वो डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। तो किसी की ख़ास तौर पे अगर 7 से ज़्यादा है या 6.6 से ज़्यादा है तो वो पेशेंट डायबिटिक है, और वो उसको अपने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए ताकि इसको अर्ली जितना हम ट्रीट करेंगे उतना रिजल्ट्स भी बेहतर हैं और उतनी कॉम्प्लिकेशंस से पेशेंट बच जाते हैं। तो इसकी जी सर, इंसुलिन और मेडिसिंस जो एक डायबिटिक पेशेंट जिसको हो गई है डायग्नोज, इसके अलावा कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि वो इससे बिल्कुल ही बच जाए इंसुलिन और डायबिटीज मुसलसल यूज करने से? कोई इसका अच्छा सर्जिकल आप बताएं, कोई इसका सोल्यूशन हो सकता है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसी के ऊपर ही आजकल पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जिस तरह मैंने बताया ये मेटाबॉलिक सर्जरी एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है जो हम पेशेंट्स को ऑफर करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें दवाइयों के जरिए इलाज करते हैं, दूसरा है इंसुलिन की इंसुलिन पेशेंट को लगानी है, या कॉम्बिनेशन होता है कि टैबलेट्स भी देनी है और साथ में इंसुलिन भी लगानी है। लेकिन जो रिसेंट एक रेवोल्यूशन है या इनकलाब है इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ की, उसके हवाले से मैं बात करूँगा, तो दैट इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट, दैट इज अ लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज। इसके ऊपर काफी 1 साल से, ये पहला ऑपरेशन इसका जो टाइप 2 डायबिटीज का हुआ था दैट वाज इन 1973, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट एवोल्यूशंस होती रही और अब ये एक डेफिनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं, जो मेडिकल टर्म में मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं या उसको टाइप 2 डायबिटीज की सर्जरी कहते हैं अपनी आम टर्म में। तो इस हवाले से प्रोफेसर फयाज साहब से भी डिस्कशन रहती है हमारी, क्योंकि डिफरेंट जनरेट होते हैं पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, तो भी डिस्कशन अक्सर हम कांस्टेंट इन कॉन्टेक्ट हैं। तो ये बेसिकली होती क्या है, वट इज द मेन रोल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट, तो उसमें उसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली इंसुलिन की प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता, पेनक्रियाज या लोबलुबा
इंसुलिन बना रहा होता है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पाती, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तो हमारी बॉडी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, कोई भी सिस्टम है वो हार्मोन्स हार्मोनल कंट्रोल के साथ होता है। सेकेंडली एक होती है ओबेसिटी इन जनरल, एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी वो होती है कि जिसमें पेट बाहर निकला हो, वेस्ट ज्यादा हो, हिप कर्व साइज ज्यादा हो। सर मैं आपको यहाँ पे माज़द इंटरप्ट करती हूँ। नाज़रीन हाँ, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। कुछ मंजर हमसे खो गए हैं, जैसे वक्त के चेहरे पे कुछ मुस्कुराते लम्हे कहीं छुप से गए हों, जैसे किताबों के सफों में पिरोए कुछ लफ्ज अपने जुमले से मिट गए हों। बस्ते में था जो बचपन भरा वो हाथ से कैसे छूट गया है, एक कहानी का ताना बाना वक्त से पहले टूट गया है। जैसे रोशनी हो पर आंखें बंद हो जाएं, आवाज हो पर सुनने ना पाए, जैसे उंगली कोई हाथ के थाम लेने की मुंतजर हो। आधी अधूरी दिल की कहानी बचपन के आंगन में मोड़ के देखे, जैसे रात कोई सुबह के आ जाने की मुंतजर हो। इस तस्वीर का कोई रंग फीका ना पड़ने पाए, कि कोई कहानी अपने किसी किरदार से नामुकम्मल ना रहने पाए, इसलिए अलखिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए आगे बढ़ रहा है। एक कहानी का ताना बाना फिर से वही जुड़ गया है। सिर्फ 4500 रुपए महाना से आप भी यतीम बच्चों की कफालत कर सकते हैं अलखिदमत फाउंडेशन, के कोई ताबीर अधूरी ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बेपनाह खुशी हुई है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि स्पेशल टीवी के इस हेडक्वार्टर में और नशरियात के इस मरकज में मुझे हाजिर होने का मौका मिला है। मेरी पूरी टीम से भी मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ इसके पूरे सेटअप को भी विजिट किया है, और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाल्लाह स्पेशल टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल महाज पर अपने लिए एक बड़ा मुकाम और नाम पैदा करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैदान में बहुत बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं और बहुत बड़ा काम भी हो रहा है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लोग शराफत की तलाश में हैं, सच्चाई की तलाश में हैं और सही तज्जियों की तलाश में हैं, और अपनी माशरत जो गुम कर दी गई है उसकी तलाश में है। और मुझे इस पूरी टीम से तवक्को है कि इंशाल्लाह स्पेशल टीवी अपनी इसी मेहनत, अपने वीएन और अपने मकसद और पाकिस्तान की एक बड़ी खिदमत के लिए ये चैनल एक बड़ी खिदमत भी अंजाम देगा। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह इसको हर तरह की कामयाबी दे और इस पूरी टीम को पूरी कमिटमेंट के साथ काम करने की तौफीक दे। मेरी तवक्कात हैं कि स्पेशल टीवी हकीकत में जो एक कमिटमेंट रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल टीम है, वो अपने लिए अपनी मेहनत के साथ इज्जत का, शोहरत का और वकार का मुकाम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला स्पेशल टीवी को हर तरह की कामयाबियां नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी कई जमानों से गुजरती है और हमें कुछ स्पेशल बना देती है। कभी वो ऑफिस का स्पेशल दिन,
कभी मोहब्बत के आगाज का वो स्पेशल गिफ्ट, कभी उस्ताद की सुनी हुई वो स्पेशल बात, तो कभी कुछ स्पेशल की तलाश। ये स्पेशल लम्हे ही तो हैं जो हमें जीना सिखा देते हैं। कभी वो अंकल सलीम की स्पेशल चाय, कभी अम्मी के हाथ का स्पेशल खाना, तो कभी दोस्तों के साथ एक स्पेशल मूवी, तो कभी लाइफ का वो स्पेशल मोमेंट। ये सब बन जाता है जिंदगी का स्पेशल, और इसी स्पेशल को हम ला रहे हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने। स्पेशल टीवी, आज की सोच। वेलकम बैक नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे थे डायबिटीज पे और इसके कॉम्प्लिकेशंस पे। हम कॉम्प्लिकेशन से बात हम इसके ट्रीटमेंट पे आए थे, जो कि एक सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे सर मोहसिन। इनसे हम जानेंगे कि डायबिटीज का एक परमानेंट और सर्जिकल क्या ट्रीटमेंट है। जी सर। जी, जो सर्जिकल पार्ट है ट्रीटमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में डिस्कशन या अवेयरनेस देना जरूरी है पेशेंट्स को कि टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के हवाले से कि इंसुलिन पैनक्रियाज या लोलबा बना रहा होता है, लेकिन कुछ बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं जिसमें हार्मोन्स जो फ्रेंडली हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन के, वो कम हो जाते हैं, और उसके अगेंस्ट जो हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं या जो प्रॉब्लम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, कैमरे के साथ होती है, बगैर चीरा या कट लगाए हुए। तो इससे ये जो इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर कि जो हार्मोन्स या जो फैक्टर्स इन फेवर ऑफ इंसुलिन होते हैं वो हम बढ़ा देते हैं, और जो उसके अगेंस्ट फैक्टर्स होते हैं उसको कम कर देते हैं। जब ये बैलेंस रिवर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये 1 से 3 महीने में ये मैकेनिज्म कंट्रोल कर लेते हैं। जो सेल्स वीक होते हैं पैनक्रियाज के, वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, और जिस सेल्स के जिन रिसेप्टर्स पे जाके जहाँ जहाँ पे इंसुलिन ने काम करना होता है उनका नंबर सेल्स पे बढ़ जाता है। तो जब ये फिनोमिना हो जाता है, इसमें बॉडी एडजस्ट करती है तकरीबन 1 से 3 माह में, तो ये पेशेंट इंसुलिन या टैबलेट्स की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती। और सबसे मेजर फैक्टर होता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन उन पेशेंट में प्रिवेंट हो जाती। तो ये उसका बेसिक मैकेनिज्म है जिससे हमने ये चीज़ें कंट्रोल करनी होती। सर, यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में हमने पूछा है, लेकिन अगर मरीज को लेट हो जाए, वो ट्रीटमेंट की तरफ ना जाए, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि उस पे, या मेल है या फीमेल है, उस पे कितने बुरे असरात हो सकते हैं डायबिटीज के? अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में हम लोग बींग रेडियोलॉजिस्ट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। इसमें ये मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टी ऑर्गन डिजीज कहलाती है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें किडनीज के इश्यूज आ जाते हैं, डेफिनेटली आई साइट और रेटिना के इश्यूज आते हैं। फिर जैसे ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि लिम्स का न्यूरोपैथी का इशू आता है, और खून की नालियों का जो बंद होना वो एक इशू आता है। इनमें मेल्स में कुछ और इश्यूज भी आते हैं। मेल्स में अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें मेल का जो कह लें कि खास ऑर्गन या खसूसी अमराज में वो शामिल है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक इशू आता है। इनके बीइंग इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसको ट्रीट करने के लिए। हम लोग एक तो डायबिटीज या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग एक टीम बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स के लिहाज से डील करते हैं। एक डॉक्टर डिसाइड नहीं कर रहा होता, जैसे सर्जन बैठे हैं प्रोफेसर मोहसिन गिलानी, ये इनकी डिस्कशन सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनी अदर थिंग्स के पे डिस्कशन होती है। रेडियोलॉजिस्ट होता है, फिजिशियन होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, ये हम सारे मिलकर डिसाइड करते हैं। इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट है, जो कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल शायद ही किसी सेंटर में होगा, जिसमें वी कैन असेस द थिंग्स कि किस हद तक न्यूरोपैथीज और किस हद तक जो खून की नालियों का इशू है वो किस हद तक डेवलप हो चुका हुआ है, और उसको ट्रीटमेंट किस लेवल का किया जा सकता है। इवन लेट स्टेजेस पे भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो किए जा सकते हैं। उसमें एक तो रूटीन ट्रीटमेंट्स हैं, ये ट्रीटमेंट जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये मेडिकेशन से नहीं है, ये इंटरवेंशन से हैं। इंटरवेंशन क्या चीज़ है, इसमें हम कोई ना कोई प्रोसीजर कर रहे होते हैं बगैर सर्जरी के। जैसे प्रोफेसर मोहसिन गिलानी ने जिक्र किया, ये सर्जरी जो है लेप्रोस्कोपिक होती है। हमारा ज्यादातर काम इंटरवेंशन वालों का नीडल से होता है, उसमें हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, पहले डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस में हम लोग वी ईडी डॉपलर किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है।
अगर फॉर एग्जांपल वीनस लीक है तो वीनस लीक का ट्रीटमेंट होता है। सर ये सारे ट्रीटमेंट्स जो इंटरवेंशनल से रिलेटेड है ये सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। एग्जैक्टली ये बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये मिनिमल इन्वेसिव होते हैं, इसमें सर्जरी इज नॉट इन्वॉल्व, और जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें मेजर कॉम्प्लिकेशंस को डील किया जा सकता है उसमें मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट से। सर मैं डायग्नोस की बात की, ट्रीटमेंट की बात की, अब डायग्नोस भी हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गया, अब एक पर्सन जिसको डायबिटीज थी उसका ट्रीटमेंट एक थ्रू सर्जरी हुआ, उसके बाद वो अपने डेली रूटीन में कैसे वो मूव करेगा, उसे फिर इंसुलिन या मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी या ही इज नॉर्मल, ही और शी इज नॉर्मल एंड बैक टू लाइफ। सर इस पे एलैबोरेट करें कि एक बंदा सर्जरी के बाद क्या। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जो प्रीवियस था सिर्फ एक लाइन में, कि जितना अर्ली कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के बारे में बात करें जितना अर्ली उसको डिटेक्ट कर लेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक अर्ली डिटेक्शन और एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिस तरह प्रोफेसर फयाज साहब ने भी कहा कि इसमें एक जो डॉक्टर है वो डिसाइड नहीं करेगा इसमें, क्योंकि ये क्रॉनिक इलनेस है, क्रॉनिक इलनेस मीन के जो बहुत देर तक चलती है, इस तरह की अनफॉर्चुनेटली, तो इस तरह की जो डिजीज है उसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज इन्वॉल्व है और एक दूसरे को बेस्ट रिजल्ट्स हम उस तरह गेन कर उस वक्त गेन करते हैं जब हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो जितना अर्ली इसको डायग्नोज कर लेते हैं उतना अच्छा है। इसलिए रेडियोलॉजिस्ट और सर्जन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये एक टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं। उसका हमने डायबिटिक हेल्थ क्लब भी बनाया है तो उसमें भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज होंगी। जहाँ तक आपका अभी क्वेश्चन था कि इसमें जो एक दफा ट्रीटमेंट करा ले उसका फिर क्या है, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस स्टेज के किस स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अगर तो वो जिस तरह पैनक्रियाज, अगर डायबिटीज की बात करें 50% तो ऑलरेडी उसका पैनक्रियाज लूज हो चुका, अब पीछे प्रिजर्व्ड है 50% या 40% है, तो उसमें अगर वो 50% पे अर्ली पिकअप कर लेता है पेशेंट और अर्ली उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो इसका जो ऑथेंटिकेटेड जो फीडबैक है वो अप टू 7 ईयर्स तक, 8 ईयर्स तक उसका रिकॉर्डेड एक है कि 7 to 8 ईयर्स तक वो पेशेंट दोबारा उनको डायबिटीज नहीं हुई। जो मेरे पास फॉलो अप है पाकिस्तान में वो है तकरीबन 1 साल का, 1 ईयर में जो पेशेंट मैंने ट्रीट किया अभी दे डिड नॉट टर्न बैक, उनको डायबिटीज की ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं आना पड़ा, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं, उनके फीडबैक्स भी आते हैं। तो एक चीज जो इसमें मैं ऐड करूंगा वो है इसकी डाइट कंट्रोल के बारे में और एक्सरसाइज, ठीक है, वो अक्सर पेशेंट्स की क्यूरीज जनरेट होती है सर कि अगर हमने ऑपरेशन करा लिया तो क्या हम उसी तरह खा पी लेंगे जिस तरह हमें शुगर नहीं थी, उसी तरह मीठा खाएं, उसी तरह खाना खाएं, तो ये मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ, आपके फोरम से मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें जब आप डायबिटिक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि 50% आपका पैनक्रियाज नहीं है, वीक है पैनक्रियाज, अगर हम उसके ऊपर बर्डन डालेंगे तो वो उसको कोप नहीं कर पाएगा। तो सर्जरी आपको हेल्प आउट करती है कि आपने डायबिटीज की कंट्रोल हो गया आपका, आपको टैबलेट्स की जरूरत नहीं, इंसुलिन की जरूरत नहीं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और उससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी डायबिटीज की। लेकिन आपने अपना लाइफस्टाइल मीठा नहीं खाना, ठीक है, कभी कभार चलें कहीं, लेकिन रूटीन में नहीं खाना, और आपने पेट भर के नहीं खाना, वही एहतियात है जो डायबिटिक पेशेंट्स करते हैं। इस सर्जरी को आम लफ्ज में यूं कहा जाता है कि आप डायबिटिक हैं, सर्जरी के बाद भी डायबिटिक रहेंगे, लेकिन वो डायबिटिक जिसको इंसुलिन की जरूरत नहीं, वो डायबिटिक जिसको दवाई की जरूरत नहीं है, वो डायबिटिक जिसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को, अपने खाने पीने को आपने लाजमी सीजन तरीके से और एक मतलब कि अपने आप को एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करना। हाँ नाजरीन, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट्स और उसके डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज वाकई एक बहुत बड़ा मसला है और इसके बारे में ये शो एक काफ़ी नहीं होगा, इसके बारे में मजीद और शो करेंगे जिसमें आपको इससे आगाह करेंगे। मैं सर फयाज से पूछूंगी कि अब प्रोग्राम का अख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं पूछूंगी कि आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे एक डायबिटीज के बारे में और उसके डायग्नोस के बारे में। इसमें अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी हुई है, मेरा टेक होम मैसेज या नाजरीन के लिए पैगाम ये होगा कि देखें अपना लाइफस्टाइल जो है बेसिकली, जैसे डिस्कशन हुई है, जो कॉजेज डिस्कस हुई हैं अगले प्रोग्राम में भी कॉजेज डिस्कस होंगी, कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा नंबर वन।
नंबर टू, जितनी अर्ली डायग्नोसिस हो और जितना अर्ली ट्रीटमेंट हो दैट इज द बेस्ट। उससे अगला जो मैसेज है वो ये है कि देखें अवेयरनेस है लोगों को, डेफिनेटली गूगल मौजूद है, तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट है जैसे हम लोगों ने जिक्र किया कि जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं कॉम्प्लिकेशंस की वो भी मौजूद हैं, इसको एज सून एज पॉसिबल ऑप्ट करें ताकि फर्दर ज्यादा डिफरेंट बॉडी के डैमेज से बचाया जा सके। इट मीन्स कि अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं अगर आप अर्ली डायग्नोसिस की तरफ जाएं और देन अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। सर आप बताएं, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, ये मैं लाजमी रिपीट करता होता हूँ कि ईमान की एक नेमत है ना, ईमान की नेमत के बाद सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की वो सेहत है। अगर सेहत है तो आप हर चीज इंजॉय करते हैं, अपनी अपना पैसा भी, अपनी जॉब भी, जो भी है। अगर सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए सेहत के हवाले से बहुत कॉन्शियस रहना है आपने। क्वांटिटी ऑफ लाइफ होती है और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। क्वांटिटी का तो किसी को नहीं मालूम कितनी क्वांटिटी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे कंट्रोल में अल्लाह ने दी है कि हम अपनी सेहत का जितना ध्यान रखेंगे उतना अच्छा है। तो सेहत के हवाले से जो आज डायबिटीज पे हमने ट्रिक की है, तो डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी है, इसको अर्ली डायग्नोज काइंडली कीजिए, इसको निग्लेक्ट नहीं करना हमने अब, क्योंकि इसमें और उनको हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। और इंफॉर्मेशन तो आप जैसे सर ने बताया वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे अवेलेबल है, तो इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और हम आपके लिए हाजिर हैं। किसी भी जो भी आप एडवाइस लेना चाहें तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और थैंक यू सो मच सर जी। नाज़रीन, हमने डिस्कस किया डायबिटीज के बारे में। यकीनन ये शो काफी नहीं होगा क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मसला है। हम इस पर इंशाल्लाह और भी शो करेंगे और अपने नाज़रीन को इससे अवेयर करेंगे। यहाँ पे हम इस शो का अहतमाम करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।